फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकार या फिल्म के साथ जुड़े किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति, स्थान, क्षेत्र, देश, धर्म, समाज या व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं, विश्वास, भावना को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इस फिल्म के निर्माता इस फिल्म के विषय में अन्य लोगों के विचारों और उद्देश्यों का सम्मान करते हैं। जोरों से अपनी फटफटिया दौड़ाए, ओ मोरी रानी, ओए ओए मोरी रानी। मैडम जी डर कर न बैठो पकड़ के, हंस हंस के पलटन दस बत्तियां बनाए। ई बात पक्की जो होई तरक्की, तुमका हम एम्बेसडर में घुमा।
केलांग, केलांग के साथ ही बहल भी है। एनएसएन के साथ साथ केवाईकेएल के 70-80 टेररिस्ट और भी है। डबल ऑफ व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। सर बीटिंग बोला है नेगेटिव। जब तक वो बेस से यहाँ पहुंचेंगे तब तक सुबह हो जाएगी। वी लूज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और फिर शायद हमको कभी ये मौका नहीं मिलेगा जब नागालैंड और मणिपुर के लगभग सारे टेररिस्ट एक साथ एक जगह पे जमा हो। करण, 10 कमांडोज के साथ एक आउटर पैरामीटर बनाओ, मेनली स्नाइपर्स। राइट और लेफ्ट फ्लैंक से मैं, सरताज और बाकी कमांडोज डायरेक्ट असॉल्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे सर्कल से बाहर निकलेगा उनको तुम संभालोगे। एक भी टेररिस्ट बचना नहीं चाहिए। कॉपी? कॉपी कॉपी। गुड, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। Anyone spot Kailang? Negative, sir. Thank you.
Josh? Yes, sir. How's the Josh? Fire, sir. I said, how's the Josh? Fire, sir. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! मेजर व्यान का बैकग्राउंड क्या है? एनडीए टॉपर, पैरा कमांडो गोल्ड मेडलिस्ट, फादर कर्नल महर सिंह शेरगिल, जो कारगिल में टोलोलिंग में शहीद हुए थे। मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के बाद में व्यान की पोस्टिंग कश्मीर, जैसलमेर और मणिपुर में हुई थी, और ईस्टर्न कमांड के साथ साथ इस मिशन की ऑन ग्राउंड प्लानिंग भी व्यान की ही थी। बॉयज, मेजर विहान शेरगिल। क्या बात? हु हेडेड द ऑपरेशन सर? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ऑनर टू मीट यू टू सर। मेजर करण, वेरी प्राउड ऑफ यू ऑफिसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैप्टन सरताज। सरताज, थैंक यू सर। आपकी टीम की बहादुरी और कौशल ने तो बस एक ही झटके में नॉर्थ ईस्ट आतंकवादी गतिविधियों पर रोक डाल दी है। हमें बड़ा गर्व है आप सब पर। रॉ से खबर मिली है कि बाकी आतंकवादी ग्रुप अब समझौता करना चाहते हैं। स्पेशल फोर्सेस के मिशन के बाद दुश्मन के पास समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। रेहान, अर्जुन जी बता रहे थे कि तुमने कंपैशनेट ग्राउंड पे प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अर्जी डाली है। क्यों भाई, क्या हुआ? सो मां को अल्जाइमर है, स्टेज 6। धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी और तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती। मेरी पोस्टिंग ईस्टर्न कमांड में है और वो यहाँ दिल्ली में मेरी बहन के साथ रह रही है। इससे पहले कि वो मुझे भी भूल जाए, मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ वक्त बिताऊं। शाबाश, अच्छे बेटे हो जो माँ का ख्याल रखना चाहते हो, मगर देश का ख्याल रखना भी जरूरी है, वो भी तो माँ ही है। रिटायरमेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? एक काम हो सकता है, अगर दिल्ली में सेना मुख्यालय में आपका ट्रांसफर करवा दे, मां के करीब ही रहोगे और हमारे भी, क्या कहते हो? राइट सर। बढ़िया। गोविंद जी, इनकी मां के लिए नर्स का इंतजाम कीजिए जो 24 घंटे इनके साथ रहे। जी। चलिए आप लोग डिनर शुरू कीजिए, सबको भूख लगी होगी। कितने भी ध्यान से तू पढ़ ले ये रिपोर्ट, कुछ बदलने वाला नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है, जब मैं बहुत बीमार पड़ जाऊं, मुझे अकेले हॉस्पिटल में मत छोड़ना। आपको कोई हॉस्पिटल में नहीं डालेगा। अकेले बहुत डरने लगे हूं मैं। अब दवाई खाओ। नेहा ने मुझे प्रॉमिस किया है। I'm trying my best. I swear. I know you're trying your best. Ma, दवाई खाओ। कितना वक्त लगा दिया दरवाजा खोलने में। ये है मॉम के सारे कपड़े, बची सिर्फ किताबें हैं, वो बाद में लेके आऊंगी। ठीक है। हाँ, दवाई, उन्हें दवाई दी? दे दी। कहाँ है वो? अंदर बैठी है। मामू, आपको ब्लैक बेल्ट किस एज में मिली थी? 16। ये देख रहे हो, ग्रीन बेल्ट।
कुछ सालों में ब्लैक होने वाली है, फिर थोड़ा संभल के घूमना मेरे आसपास, बिना बात के गुस्सा मत दिलाना। तो ब्लैक बेल्ट के बाद आप क्या करेंगी मिस कराटे? पहले मामू की तरह आर्मी ऑफिसर बनूंगी, उसके बाद इंडिया की फर्स्ट फीमेल जनरल बनूंगी। शाबाश, वाह, मामू की चमची। पापा तो जोकर है ना, उनको तो ऑफिसर समझती नहीं होती। अच्छा सुहाना, गो गेट द सिजर्स ना। तू प्लीज करण को जाके हेल्प कर दे। क्यों? तेरी पार्टी के चक्कर में हाल बेहाल कर दिया है। घर तो ऐसे लग रहा है जैसे 8-10 ग्रेनेड फटे हो। सीरियसली थैंक यू। चले पापा को मिल गया है। अच्छा वो माँ के लिए नर्स आने वाली है, वो गेस्ट रूम तैयार किया हुआ है। हाँ जी माँ। तू कब आया? माँ वो आज ही आया, आपको सरप्राइज देना चाहता था। कितने दिनों की छुट्टी है? 10 दिन की। आपको रजनीवासी के घर लेके जाने वाला है, देहरादून है ना। तू निकल, करण वेट कर रहा है। ओके माँ, आपने सारे का मैं देखा कि नहीं? हाँ। सुहाना जाके अपना होमवर्क कर ले। सुबह से कुछ खाया? मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ करण अच्छा मामू, पापा ने मुझे आपकी बटालियन की वॉर क्राई सिखाई थी। अच्छा सुनाओ। शौर्यम दक्षम युधय बलिदान परम धर्मा। इतनी ठंडी वॉर क्राई? वॉर क्राई जब चिल्लाते हैं ना तो जवानों का जोश से खून खोल जाना चाहिए और दुश्मनों के तो पजामे फट जाने चाहिए डर से, तब होती है वॉर क्राई। और नाश्ते में कल से अंडे खाना शुरू करो, ये मम्मी की तरह घास फूस नहीं। चेंज कर लो, फिर होमवर्क करते हैं, ठीक है? गो। सताज, तेरी तो डेट थी ना, तू गया नहीं? तुझे नहीं पता क्या हुआ? भाई साहब पूरी तरह तैयार होके अरमानी का परफ्यूम लगा के बस निकलने ही वाले थे कि अचानक से इनकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि मैं इस रिलेशनशिप से तंग आ चुकी हूँ, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, इट्स ओवर। I'm really sorry यार, मुझे पता नहीं था। पूरी बात तो सुन ले यार। थोड़ी देर में मैडम का एक और मैसेज आया कि सॉरी सॉरी जानू, गलती से ये मैसेज आपके नंबर पर चला गया। सर मतलब ये पटेल नगर की लड़की है। पटेल नगर। एनीवेज तू दिल्ली में स्टाफ वर्क करेगा कैसे? तेरे जैसा आदमी साउथ ब्लॉक में पेन घिसते घिसते पागल हो जाएगा। आज तक किसी भी मिशन में आपकी प्लानिंग कभी गलत नहीं हुई है सर। आपकी असली जरूरत बॉर्डर पर है सर, दिल्ली में नहीं। देखो यार, हर फौजी को ये काम भी करना होता है और तुम दोनों को पता है, आई हैव टू डू दिस। चलो बुदास शक्ले मत बनाओ, पनीर खिला मुझे। रिपोर्ट आ गई बॉम्ब की? आ गई है। बहुत अग्रेसिवली स्प्रेड हो रहा है यार। This is nothing, Captain Zishan. Vihan's dad, in fact, used to brew the best brandy in the world. अरे कई बार स्कूल से लौटकर ढक्कन भर भर के हम लोग पी लिया करते थे और बहुत जल्द कर्नल साहब को भी पता चल गया, हम पे शक होने लगा। मार से बचने के लिए हम दोनों ने एक साथ ब्रांडी की आधी बोतल हमारे स्कूल के बोतल में ट्रांसफर कर ली थी और घबरा कर उस आधी बोतल को भरने के लिए हमने उसमें सुसु कर दिया। हमने नहीं, इसने। और अनफॉर्चुनेटली उसी रात इसके फॉरेन वाले टीटू मामा जी आ गए टू ट्राई द लेटेस्ट बैच ऑफ ब्रांडी। पीके बोलते हैं, लिसन लिसन, पीके बोलते हैं एक्सक्लूसिव।
देखिए, झूठ फैलाना बंद कीजिए। माहौल बना के रखा है आप लोगों ने। पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग कितना अमन पसंद है। आपके यहाँ जो भी छोटा मोटा हमला होता है, आप उसका सीधा इल्जाम हम पर लगा देते। मैं बोलता हूँ सबूत दें, सबूत दें, सब सबूत एकदम बकवास। तीन टेररिस्ट रावी नदी से सुबह 5:30 बजे घुसे, पंजाब रोडवेज की बस पर गोलियां चलाई। कुछ लोग घायल हुए, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस वहां पर रोकी नहीं, बल्कि सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया। अभी टेररिस्ट कहां है? अभी सर वो दीनानगर पुलिस स्टेशन के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपे हुए, लेकिन स्वाट टीम ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया सर। एनएसजी को स्टैंड बाय पर रखो। ओके सर। किस ग्रुप के हैं टेररिस्ट? सोर्सेज बता रहे हैं कि लश्कर के आदमी है। कितने लोग मारे गए? 4 सिविलियंस की मौत हो चुकी है और करीब 11 लोग अभी भी सीरियस हैं। सर, पठानकोट अमृतसर रेल ट्रैक्स पे आईडी बॉम्ब्स मिले, और भी मिलने के चांसेस हैं। सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। सर, पंजाब स्वाट टीम पहुंच चुकी है। पठानकोट और अमृतसर के रेलवे ट्रैक पे आईईडी मिले हैं। सॉरी सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी सर। जिंदगी हाँ, थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमियाँ। जिंदगी हाँ, थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। जिंदगी हाँ, थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमिया। जिंदगी हाँ, थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला बह चला, मुसाफिर कहाँ बह चला। बह चला बह चला, मुसाफिर कहाँ बह चला। चलता रहा, मेरे इशारों पे तू
चल कभी तेरे इशारों पे मैं चलता रहा मेरे इशारों पे तू चल कभी बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला लगातार जो है एडीआई के बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है और बिल्डिंग के एक हिस्से में आग भी लगातार जा रही है। अब तक दो जवानों के जख्मी होने की खबर है, हालांकि मिलिट्रेंट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। धमाकों की जो आवाज है इससे Jain sir. Why are you here? Sir, mera case under investigation hai. Pehli posting July 2014 mein Srinagar mein hui thi. Abhi kaam samajh hi rahi thi ki September 1st week mein itni tez barish hui ki Jhelum ka bandh hi toot gaya. श्रीनगर के लोअर एरियाज में 15-20 फीट पानी भरने लगा। हम सारे Mi-17 और ध्रुव पायलट्स इमीडिएट सॉर्टी मिशंस पे लग गए। बिना सोए खाए हम लोगों को लो लाइंग एरिया से रेस्क्यू करने लगे। सेवेंथ नाइट 3 बजे राजबाग से एक डिस्ट्रेस कॉल आया। बुरी तरह जख्मी एक 7 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ अपने घर की छत पर अकेले फंसी हुई थी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, इसलिए कमांडर ने सुबह उन्हें तक सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस रद्द कर दिए। मगर समहाउ उस बच्ची का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। आई हैड टू डू समथिंग। सबिया और सोनी, फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं सर, हस्बैंड थे, कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। बड़े देशभक्त थे जसकीरत जी। अब यहां बैठे बैठे डर रही हूं कि जसकीरत जी को अपनी देशभक्ति दिखाने का फिर कभी मौका मिलेगा भी या नहीं। माँ, जैस्मिन,
माँ का है? अंदर सो रही है। Stay here. माँ इधर आई क्या? I'm sorry. It was very urgent. अगर emergency नहीं होती, मैं सच में, you know me, I would have never taken that call. I didn't mean it. तुम्हारा असली नाम क्या है? Jasmine Almeida. What is your real name, Jasmine? Sai just told me. माँ का है मेरी. One second. I don't. No, you listen to me. मुझे या मेरे परिवार को किसी तरीके की protection की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके लिए मैं काफी हूँ. Especially तुम जैसी incompetent और नकली नर्स की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. तो तुम अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बोलो कि बाय हुक और बाय क्रूक मेरी मां को ढूंढे और घर लाए. डू इट. कैन आई टेक इट? यस यू कैन. हेलो, कहां? सुहासिनी जी को हमारे एजेंट्स ने द्वारका फ्लाईओवर के नीचे पाया है. द डे आई केम हियर, मैंने उनके सारे कपड़ों पे जीपीएस टैग्स लगा दिए थे सो दैट वी कुड ट्रैक हर एवरी मोमेंट. शी'ल बी होम सून. आई माइट बी एन इनकॉम्पिटेंट नर्स बट आई एम अ डैम गुड एजेंट सर. आई एम सॉरी, शी'ल बी होम सून. जयंत साहब. जयंत. नाश्ते में थोड़ा टाइम लगेगा. चाय मिलेगी? शकील, शकील, शकील.
से हेविली आर्म्ड 4-5 टेररिस्ट लग रहे सर। वेस्टिंग के पीछे दो छिपे हैं। मेजर अवस्थी की टीम काउंटर फायरिंग कर रही है, एक एडन ब्लॉक के ऊपर और 86 वॉल के पीछे। सर टच टारगेट रूम से मैं ड्रैगनो लेकर आऊं, इन सालों को तो मैं यहीं छोड़ाता हूं। अरे राइट थप्पा सर। यस सर। कवर करो मुझे सर टच। वेस्ट विंग से होते हुए फ्यूल डिपो पहुंचो, तुम दोनों भी T6 बंकर के पास पहुंचो। सर बेस्ट ऑफ लक गाइस।
यूएन या यूएस क्या सोचता है ये सब सोचने का समय अब नहीं रहा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। इस कायरतापूर्ण हमले का अगर हमने जोरदार मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो हमारी सेना, हमारी जनता का, सबका मनोबल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का हमारी सरकार से। सर, हम वॉर के लिए 3 दिन में तैयार हो सकते हैं। मैं हमारे टैंक्स और हेवी आर्टिलरी 6 या 8 घंटों में LC भेज सकता हूँ। मुझे लगता है इंडस्ट्रीटी का पानी रोक देना चाहिए। ISI पर जब पाकिस्तानी जनता का दबाव बढ़ेगा तो शायद उनके फिदायीन हमले कम हो जाए। पाकिस्तान ISI के नीचे है, ISI पाकिस्तान के नीचे नहीं है कि वो अपने लोगों को भूखा प्यासा छोड़ देंगे मरने के लिए, लेकिन आतंकवाद का फंडिंग नहीं रोकेंगे। हमें कोई बेहतर विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। गोविंद, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक POK में घुस के उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड, वहां छुपे हुए फिदाइन, उनके हैंडलर्स, उनके गाइड्स, सबको खत्म कर दो। और पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए कभी कबूल नहीं करेंगे कि उनके जमीन पे आतंकवादी पल रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो फिर हमला कर, और जब हमला हुआ ही नहीं तो क्या जंग और क्या इंटरनेशनल प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरी का बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है। सर्जिकल स्ट्राइक में खतरा ज्यादा नहीं है, हम चाहे तो जेट फाइटर से LC के आसपास बने हुए उनके थोड़े बंकर्स नष्ट कर सकते हैं। म्यूनिक ओलंपिक में इसराइल के एथलीट्स को PLO टेररिस्ट ने मार दिया था, तो इसराइल ने सिर्फ मिसाइल छोड़कर बदला नहीं लिया, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड किया था। एक एक टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के घर में घुस घुस के मारा था। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला वार नहीं किया है, और पाकिस्तान हमारी इसी आदत का शुरुआत से फायदा उठाते आ रहा है। 1947, 65, 71, 99, इनफैक्ट सर हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जा रहा, तो यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि यह हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। रविंदर जी, पाकिस्तानी जनता से हमारी कोई जंग नहीं है, हमारी जंग आतंकवाद से है। आई थिंक गोविंद इज राइट। अर्जुन, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया सर। ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। रविंदर जी, आप अर्जुन के साथ टीम तैयार कीजिए जी। इस मिशन का नेतृत्व आप करेंगे, सारी प्लानिंग आपकी होगी और हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप मुझे देंगे जी। आप सब पाकिस्तान अथॉरिटीज को व्यस्त रखें, पूरी हमले के सबूत दो उन्हें, जवाब मांगो उनसे, मगर किसी भी हाल में किसी को भी हमारे इस प्लान की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान रहे, ये मीटिंग्स लॉग नहीं होनी चाहिए। तूने? नहीं सर, मन नहीं है। बैठ, मैं कुछ लाता हूं। नहीं सर, थोड़ी जल्दी में मेरे ऑर्डर्स आ गए। कश्मीर में एक ऑपरेशन किया जाने वाला है, डिटेल्स पता नहीं है मगर शायद उरी का जवाब देने का प्लान है।
करण सर हमेशा कहते सी कि विहान नालों तो असी कोई शहीद हो ही नहीं सकता, उस पसंद को बचाने वास्ते मौत नूं ही मार के आ जाएगा। Really wish for that to lead us, sir. करण के सामान में उसकी दो मैली शर्टें मिली। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ना मैं इन्हें धोना चाहती हूं ना किसी को देना चाहती हूं। इनमें उसकी खुशबू है। आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। मैं वो मात्रा नहीं बनना चाहता सर। अगर मैं अपने देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बनकर रह जाऊंगा और वैसे मैं जी नहीं पाऊंगा सर। आई प्रॉमिस यू, आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए, मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत वापस लाऊंगा। सर प्लीज मुझे कश्मीर में होने वाले मिशन में शामिल कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। विहान, 8 दिन के अंदर अंदर तुम पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। कल सुबह नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेवाल तुम्हें इस ऑपरेशन की सारी जानकारी दे देंगे। सारी ऑन ग्राउंड प्लानिंग तुम्हारी उनके साथ होगी। एक बेहतरीन टीम तैयार करो एंड रिवर्ट बैक टू मी बाय द 23rd नाइट विद ईच एंड एवरी डिटेल। अंडरस्टूड सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। साल इन पहाड़ियों की खाक छानी है। आंखें बंद करता हूं तो अपने बच्चों का चेहरा नहीं, कश्मीर का टेरिटोरियल मैप दिखाई देता है। और इसीलिए कह रहा हूं विहान, पीओके में घुसना तो आसान होगा लेकिन मुश्किल होगा अटैक के बाद वहां से वापस आना। आई अंडरस्टैंड सर, वी विल प्लान फॉर एवरीथिंग। टीम फाइनल हुई सर। उरी में सबसे ज्यादा सैनिक हमारे डोगरा और बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए थे। मेरा सुझाव है कि स्पेशल फोर्सेस के अलावा इन रेजिमेंट्स की घातक टुकड़ी को भी इस मिशन में शामिल किया जाए। कई बार जंग जीतने के लिए ट्रेनिंग से ज्यादा एक फौजी के जज्बात जरूरी होते हैं। मैं इनके गुस्से और जुनून का सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। कमांडोस, मेरा नाम मेजर विहान शेरगिल है और आप है कैप्टन सरताज।
आप सब अपने अपने फोन बाहर निकालिए। अब अपने घर वालों को एक मैसेज भेजिए कि 29 सितंबर सुबह तक आप एक स्पेशल टैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उधमपुर में रहेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी के साथ कोई संपर्क रखने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, लिहाजा अगले 7 दिनों तक आप अपना फोन बंद रखेंगे। लिखिए। भेज दिया। गुड सरताज, आप सब अपना अपना फोन इस बैग में डालेंगे। अब आपको अपना फोन 29 सितंबर की सुबह ही मिलेगा। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात आप मरते दम तक अपने हलक से बाहर नहीं निकालेंगे। 28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं, जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्ते भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब, उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडोस, हु आर वी? इंडियन आर्मी सर। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। यस सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। आई सेड हाउ इज द जोश? हाय सर। गुड। जी जनाब। नहीं नहीं, गलती हमारी है जी, बिल्कुल पता लगाएंगे जी। जी लगाना ही पड़ेगा जी। आप बेफिक्र रहे जी। जी खुदा हाफिज। तुम लोग साले एक नंबर के गलीज, घटिया कमीने बेगैरत किस्म के लोग हो। तुम्हारी औलादे तो नहीं है ना, पैदा करना भी मत। पिछले एक महीने से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि हमारे महकमे का एक आदमी है जो हिंदुस्तान खबरें पहुंचाता है, और तुम लोग उस बंदे को ढूंढ ही नहीं पा रहे। खुदा कसम अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम में से कोई एक तो नहीं है वो। तुमको पता मेरे पे कितना प्रेशर बना हुआ। एक हफ्ते के अंदर, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उस बंदे का पता नहीं चला ना, तो मैं तुम में से किसी एक की नल्ली निहारी बना के उसको नाश्ते में खा जाऊंगा, और खुदा कसम मैं तकार तक नहीं मारूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। और करीम, वो फाइल लेके जा मुझे। हाँ अम्मी जान, मैं बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अच्छा, आपको वो बिल्किस खाला का नंबर चाहिए था ना? कलम उठाएं, लिखे जी। 3449588 74 2200 जी। नहीं, वो तबीयत में जरा सी वो तेजाबियत सी आ गई है, गैस की वजह से डकार आते रहते, एसिडिटी हो गई है पेट में जी। अच्छा, आप मुन्नू चाचा का नंबर भी लिखें। टोटल 7 एरिया लोकेशंस हैं, ऑल क्लोज टू वेल्स, मगर उन एरियाज में एग्जैक्टली लॉन्च पैड्स कहाँ हैं, सब वो मैं फिजिकली ढूंढने होंगे। इसरो मशीन ने वास को फोन लगा। यस।
Tripura Assam pictures are not coming clear due to heavy rains. Hello. Govind bol raha hu. Bharatwaj. Hi Govind. Tell me. Acha suno. Main tumhe ab kuch coordinates bhej raha hu. To reset 1 ya reset 2. Do mein se koi bhi ek satellite 6 din ke liye mujhe in coordinates pe focus chahiye. Aur wahan se hilna nahi chahiye. Kuch bhi ho jaye. Okay. Aur dusri baat सारे इमेजेस डायरेक्टली रायसीना हिल पे रिले करना। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। ओके। तुम आर्मी इंटेलिजेंस के साथ बैठ के एक-एक लोकेशन छानोगे। हम इस मिशन पर अपने जवान को तब भेज सकते हैं जब एक-एक लोकेशन के बारे में हमें पूरी जानकारी हो। करेक्ट? यस सर। डन सर। Send this feed directly to Raisina Hills. Sir, we have the feed. पल्लवी शर्मा, उस दिन तुमने मेरा असली नाम पूछा था। I'm really sorry about that day. It's okay. तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो शायद ऐसे रिएक्ट करती। How's mom? She's fine. अब नेहा उनके साथ रह रही है और एक फुल टाइम नर्स भी रखी है, so let's see. I hope she's better than me. I think it's time we should get going. I'll look into that. Sir. Ah, Vihan. Aao baitho. Team select ho gayi? Yes, sir. Aur Ghatak commando ki training? Shuru ho gayi, sir. Good. Pallavi ji, aap shuru ho jaiye. Sir. Sir, Hizbul Lashkar Jaish ke 5 launch pads positively confirm hue. Dulipa wali? 2 केल और 1 गंभीर में। ये सारे लॉन्च पैड्स आइसोलेटेड जगहों पर हैं, इसलिए इनका मिलना आसान था। और जो बाकी के 2 हैं, उनका मुजफ्फराबाद तहसील के रिहायशी इलाकों में मिलने की आशंका है। सर, सैटेलाइट इमेजेस से क्राउडेड एरियाज में एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं कल DRDO जाके चेक करता हूँ, वो कोई हमारी मदद कर सकते हैं क्या इन लॉन्च पैड को ढूंढने में। और पल्लवी जी, आप विहान को लॉन्च पैड के बारे में सारी जानकारियां देते रहिए। व्यान, कोई सजेशन, कोई सवाल? इनमें से कौन सा लॉन्च पैड उरी हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था? हमें शक है कि मुजफ्फराबाद के किसी लॉन्च पैड से अटैकर्स आए होंगे। और उस अटैक का हैंडलर कौन था? उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है, सॉरी। These Sigma 5 drones are our latest invention, developed along with the Israeli intelligence. Sir, इनकी रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक है और ये जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वो सब ठीक है ब्रायन, ये जमीन के नजदीक कितना आ सकता है बिना किसी को नजर आए? मतलब? मतलब मुझे ऐसा ड्रोन चाहिए जो दुश्मन के घर की खिड़की के बाहर आ जाए तब भी उसे पता ना चले। सर, ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं बनी। आई थॉट एज मच। सर, ये हमारा इंटर्न है। व्हाट्स योर नेम सर? ईशान। ईशान। ईशान वत्तल सर। ये क्या है? सर, इट्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल शेप्ड लाइक एन ईगल। व्हाट इज इट कॉल्ड?
गरुड़ गरुड़ बेस्ड ऑन विष्णु पुराण. विष्णु सॉरी सर, यहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, फालतू के पास छोड़ के थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ. दैट्स इट. ईशा इसे उड़ा के दिखा. कम सॉरी सर. सर सर जब मैं कहूँ आपको जोर से भागना है और पूरी जान से गरुड़ को हवा में फेंक देना. सर एक मिनट सर. सर थोड़ा हाथ ऊपर और ऊपर सर. सर थोड़ा सा और ऊपर. सॉरी सर. सर थ्री टू वन. The range? Sir, it can fly up to a distance of 12 km और कम से कम 4 घंटे का battery backup है single charge पे. It's GPS, infrared, night vision enabled. It has a 16 megapixel camera and 7.2x digital zoom. Take off or landing के लिए it can hover at one place also, like. This. Take off or landing के लिए hover कर सकता है. फिर Brian को क्यों भगाया? ब्रायन जी सर, मुझे कल तक ऐसे 4 गरुड़ चाहिए. कल तक? सर ये प्रोटोटाइप है जो इस बच्चे ने टाइम पास के लिए बनाया सर. ये कमीशन नहीं हुआ है सर और इसकी R&D में तो महीने लग जाएंगे. कल तक 4 गरुड़ बन सकते? अगर पूरी टीम साथ दे क्यों नहीं बन सकते सर? गुड ब्रायन जी, बाकी के सारे काम बंद कर दो. एक असेंबली लाइन शुरू करा के सभी टेक्नीशियनों को सिर्फ इसी काम में लगा दो. कल दोपहर तक ईशान मुझे 4 गरुड़ के साथ में कश्मीर की फ्लाइट पे चाहिए. ठीक है? You might have just won us the war, son. Good job. Thank you. Sorry, sir. जसकीरत जी को देशभक्ति दिखाने का वक्त आ गया. यू गोइंग टू बी माई पायलट सीरत. हेलो. आर्मी इंटेलिजेंस ने बारामूला में 2 गाइड्स पकड़े हैं. उनके पास उरी हमले की इंफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं. गोविंद सर चाहते हैं कि इंटरोगेशन में हम दोनों शामिल हों. कब निकल रही हो? 2 घंटे में. फॉलो मी फॉर स्पेस. उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई थी? मैडम हमें कुछ नहीं पता. हम तो बटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं. ज़्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी. मैडम खुदा की कसम आप भरोसा तो कीजिए. मैं उरी हमले में कौन कौन शामिल था? मुझे नाम चाहिए.
तेरा क्या लगता है? मेरा भाई है सर। नाम क्या है? फैजल। देख फैजल, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तेरे भाई के पास अब दो रास्ते हैं। एक, वो हमें प्यार से बता दे कि उरी हमले का हैंडलर कौन था। दूसरा, तेरी अंतड़ियां अभी निकाल के उसकी गोद में रख दूंगा। चाय पिएगा? उसी हैंडलर था। और ये जब्बार, उरी और उससे पहले पंपर अटैक्स के प्लानर्स और हैंडलर्स ये दोनों थे। इदरिस यालकोट से है और जब्बार गिलगित से। 7 साल पहले जैश ए मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप में इन दोनों की मुलाकात हुई और कुछ साल बाद जैश के सुपरविजन में इन दोनों ने अपना एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप बनाया, सिरातुल जन्नत। अमन सेतु मुजफ्फराबाद तहसील के नजदीक चाकोटी गांव के पास इनका ये B2 ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड है। इन लॉन्च पैड्स के आसपास के जंगलों से नेचुरल केव्स के जरिए इनके गाइड्स टेररिस्ट को हिंदुस्तान में घुसाते हैं। हमने आर्मी को इन केव्स की लोकेशन दे दी है, इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और एडिशनल सर्वेलेंस के लिए कल DRDO से 4 UAV कश्मीर पहुंच जाएंगे। आप कल से LC पे शेलिंग बढ़ा दो और 3 दिन तक हल्के हल्के बढ़ाते रहिएगा ताकि 28 की रात को हम शेलिंग की चरम सीमा पे पहुंच जाए, खास करके उन जगहों पे जिसके आसपास से हमारे कमांडो POK में घुसने वाले हैं। चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा चढ़ने के लिए कुछ चट्टाने तो जरूर हैं, लेकिन 60 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट है। सारे के सारे चॉपर्स के फ्लाइट रिकॉर्डर्स निकलवा दो और सभी के रंग पाकिस्तानी एयरफोर्स के रंग से मिलवा दो। ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया।
से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा As of 0900 hours, हिंदुस्तान ने शेलिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। लगता है कि हिंदुस्तान अब तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म के यूएन स्पीच का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सर, मुझे शक है कि कहीं ये शेलिंग हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं की जा रही। अगर कोई दूसरे अटैक का प्लान होता तो अब तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहीं से कुछ खबर मिल चुकी होती। हिंदुस्तान की औकात नहीं है कि वो दूसरे अटैक के बारे में सोच सके। ऑलरेडी कश्मीर को लेकर उसकी हालत बहुत खराब है। LOC पे कुछ दिन और ड्रामा चलेगा। हमारे एक्टर और सिंगर्स को बैन कर दिया जाएगा। ट्रेड थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। पर हमें दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। जुबैर जनाब, अफजल जी सर, मुझे हर मिनट की खबर चाहिए। LOC तक जितना असला भिजवा सकते हो भिजवाओ, हमारी जवाबी शेलिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? जी सर। गुड। क्या हो गया आज मीटिंग में, हैं? टेढ़े मेढ़े छोड़ खेली जा रहा है यार। LOC के चक्कर में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये साले हिंदुस्तानियों ने गोले दाग दाग के जान निकाल रखी है। आज कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं मीटिंग में। अब कुछ छोड़ना यार, शॉट देख यार तू। ये देख शॉट। नहीं जमीर, आज तेरा ध्यान कहीं और है। एक काम कर, तू आज घर चल। मैं आसमा को बोल के तेरा पसंदीदा यखनी पुलाव और डबल का मीठा भरवाता हूँ। नहीं यार, नहीं, आज नहीं। आज सारी रात मिनिस्टर साहब के साथ जागना पड़ेगा और कल सुबह LOC के दौरे पे भी जाना पड़े शायद। फिर कभी का बना प्रोग्राम। 28 को क्या प्लान है? 28? हाँ यार, 28 ठीक है। पक्का ना? हाँ यार पक्का। आजा, तेरी मारी हुई बॉल ढूंढे। Closer shot? Yeah, sure. Slightly to the right. Good job, Ishan. Good job. Shan, I'm trying. Thank you.
ईशान, कमॉन कमॉन ईशान। खिलौना यस यस ट्राई कम ऑन निशान लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर जहां से उरी हमले के आतंकवादी आए थे 38 हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट 2 माले की बिल्डिंग और 5 एग्जिट पॉइंट्स इन सब डिटेल्स की क्या हमारे इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है यस सर मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया है अटैक का प्लान क्या होगा सर हमारे 80 कमांडोज बिल्कुल तैयार हैं 28 की रात को 12:30 बजे जब हमारी शेलिंग पीक पर होगी तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग Mi-17 हेलीकॉप्टर से POK में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे टीम अल्फा मेजर विहान के साथ पहले B-1 और फिर उसके बाद जब्बार और इद्रिस का B-2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेगी सिमिलरली टीम्स ब्रावो चार्ली डेल्टा लीपा में भिम्भेर में और केल में अपने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे अब सर इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे टारगेट्स एलसी के पास हैं। इसका मतलब लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए विच मीन्स दैट बाय 3 AM वी शुड बी बैक इन आवर चॉपर्स एंड बाय 5 AM हम श्रीनगर बेस पे पहुंच चुके होंगे कल यहां कोई मीटिंग नहीं होगी जैसे कि आप सब लोगों को बताया गया है प्रेस और पब्लिक के सामने नॉर्मल दिन बिताएंगे 28 देर रात यहाँ रायसीना हिल में मिनिस्ट्री का कोई नहीं होना चाहिए आर्मी इंटेलिजेंस के अलावा सिर्फ अर्जुन और गोविंद को यहाँ रहने की अनुमति है विहान तुम कश्मीर के लिए कब निकल रहे हो सर हम नॉर्दर्न कमांड से कल सुबह निकलेंगे सुना है विहान आपने वादा किया है कि आप अपने सारे सिपाहियों को जिंदा सही सलामत वापस लाएंगे सर विद योर परमिशन मैं और मेरे कमांडोस 30 तारीख की रात डिनर आपके साथ करना चाहेंगे कैप्टन वेद अक्रम बाली आप तीनों ब्रावो चार्ली डेल्टा टीम्स का नेतृत्व करेंगे जैसे ही हम POK में पैरा ड्रॉप करेंगे वी ऑल विल बी इजी टारगेट्स इसलिए हम सबको काफी ध्यान से स्टेल्दीली अपने अपने निर्धारित लॉन्च पैड तक पहुंचना है वंस वी रीच अगेन आउट ऑफ पैरामीटर्स स्नाइपर्स इनर पैरामीटर्स असॉल्टर्स हर टीम के पास एक सिग्नल जैमर होगा सो दैट टेररिस्ट अटैक के दौरान मदद मांगने के लिए ना ही रेडियो सिग्नल और ना कि मोबाइल कॉल्स कुछ भी यूज कर सके रिमेंबर बॉयज हमारा रिटर्न सबसे टफेस्ट पार्ट है हमारी बैक्स दुश्मनों को फेस कर रही होंगी पीछे से गोलियां चल रही होंगी सो वी हैव टू बी क्विक एनी क्वेश्चंस मैंने वादा किया आप सब मेरे साथ भारत लौटेंगे जिंदा एंड आई ब्लडी वेल इंटेंड टू कीप माय प्रॉमिस जय हिंद जय हिंद मुजफ्फराबाद और गिलगित के एसेट्स ने हमें अपडेट किया है खबर मिली है कि हिंदुस्तान आज शेलिंग हद गयात के पार पहुंचाने वाला है
कमांडोस, वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Jai Hind. Jai Hind. Go, 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 go. All the best. All the best. All the best. Go, go. मसले जा रहे थे। अबे क्या पता था बच्ची की भूख फूट जाएगी। आसमा जी, जमीर भाई के लिए बर्फ लाना। ये ले। क्या भाभी आप भी किचन में लगी हुई हैं? हम यहाँ बोर हो रहे हैं, आइए ना बैठिए हमारे साथ। जमीर भाई, यखनी पुलाव पकाते वक्त दो दो काम एक साथ नहीं हो सकते। बस जरा सी देर में आज थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है तू, वरना इतने दिनों से तो परेशान ही चल रहा था। अरे क्या बताऊं यार, इंडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है शैलिंग के साथ, और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। हमारे मुखबिर भी कुछ कम नहीं है, हमने भी पूरा एहतियात बरत रखा है। अरे खजूर टेस्ट किया? शुक्र है पुलाव तैयार। अब जरा मेरे लिए भी एक उम्दा वाला पैक बना दें बर्फ डाल के। जरूर। और जमीर भाई, भाभी कैसी हैं? हाँ वो बर्मिंगम गई हुई हैं, छोटे वाली का ग्रेजुएशन सेरेमनी है ना, उसके लिए जाना तो मुझे भी था। लेकिन वो एलओसी पे जो मसला खड़ा हुआ है ना, उसके चक्कर में सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। क्या करें भाभी, बस। अरे भाभी आप ये विस्की कब से पीने लगी? मतलब? आप तो वाइन पीती है ना? वो वाइन से दरअसल मुझे माइग्रेन होता था, तो सोचा विस्की पी जाए। वैसे विस्की पीने वाली औरतों की बात ही कुछ और होती है। अरे वाह। लेट्स गो। Thank you.
पास अरे रायसेना है। जमीर, जमीर, जमीर भाई, जमीर, 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 आज मीटिंग में हिंदुस्तान के खिलाफ क्या फैसला लिया गया? आज मीटिंग में सर्जिकल स्ट्राइक इन अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ था, जमीर। बेगम क्या कर रहे हो? समीर, आज मीटिंग में क्या फैसला हुआ? कुछ समीर, मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? जमीर, मुखबिरों से पता चला है कि एलओसी के बिल्कुल नजदीक हूबहू पाकिस्तानी कलर्स में पेंटेड हेलीकॉप्टर देखे गए। रंग हेलीकॉप्टर को लगाया गया था सर। हो सकता है कि रडार से बचने के लिए लो फ्लाई करते हुए हमारे फॉरवर्ड पोस्ट पर अटैक ही करते। उनको रोकने का क्या तरीका है? जनाब, हमें एवेक रडार को उरी सेक्टर के पास से लॉन्च कर देना चाहिए। सर, उसके बाद गलती से भी अगर दुश्मन का हेलीकॉप्टर एलओसी के 20 मीटर के दायरे में भी आ जाता है तो हमारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स विल शूट इट डाउन इमीडिएटली। हेलो, अल्फा टीम नीड्स टू अबॉर्ट मिशन। आई रिपीट, अल्फा टीम को अपना मिशन रोकना पड़ेगा। जनाब, एलसी पे एयर एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स रेडी रखिए। पल्लवी, विहान का चॉपर निकल चुका है। यस सर, लगभग 10 सेकंड में एलसी क्रॉस कर लेंगे। कनेक्ट विद विहान नाउ। विहान, आई एम पैशन विद गोविंद सर। सर, विहान इज ऑनलाइन। विहान, एलसी क्रॉस मत करना। आई रिपीट, डू नॉट क्रॉस एलसी। अपना चॉपर वापस करो। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। अल्फा टीम का बाय एयर क्रॉस करना नामुमकिन। तुम्हारा मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा। पल्लवी लिसन, फारूक ने इंटरोगेशन के दौरान बताया था कि वो आतंकवादियों को हिंदुस्तान केव्स के जरिए लाते थे, जिस पे हमारी आर्मी ने नजर रखी हुई है। गेट मी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स टू दोस केव्स। अगर हम हवा से नहीं जा सकते तो हम जमीन में घुस के जाएंगे, मगर किसी भी तरह आज हम ये मिशन पूरा करके रहेंगे। ब्रावो चार्ली डेल्टा, आप लोग प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब से हम चारों टीम्स के बीच में रेडियो साइलेंस रहेगा। वी विल ओनली बी इन टच विद द आर्मी इंटेलिजेंस डायरेक्टली। दे'ल कीप मी पोस्टेड। करेक्ट विहान, ब्रावो चार्ली डेल्टा। इंटेलिजेंस के मुताबिक आपके सारे एरिया सेफ है, सो मूव अहेड एज प्लान। What's the status? So we figured out the coordinates. किसी गुफा में घुसना जिसकी ना रेक्यू हुई ना मॉनिटरिंग इज वे टू रिस्की। इन केव्स की पहरेदारी के लिए रेंजर्स, टेररिस्ट कोई भी तैनात हो सकते हैं।
ईशान वेट। ईशान ऑनलाइन, क्या हमारी आवाज सुन सकता है? यस सर ही कैन। ईशान? यस सर। तुम्हें चारों टीम की जीपीएस लोकेशन नजर आ रही है? यस सर, आई कैन सी इट। गुड, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर गोइंग टू बी देयर आईज। ओके, ऑपरेटर से कहो कि चारों गरुड़ टीम लीडर से कुछ मीटर आगे रहेंगे। और जीपीएस से तुम उनकी पोजीशन ट्रैक करते रहना, जैसे कोई खतरा नजर आए सीधा टीम लीडर को वार्न कर दो। श्योर सर। पाकिस्तानों के बैंड कश्मीर। गुड जॉब यान, बाकी टीम्स प्राइमरी टारगेट्स पे पहुंचने वाली हैं।
दोजक में अपने भाइयों को सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। सर पहला ऑपरेशन कामयाब रहा, वी हैव डिस्ट्रॉयड B1 लॉन्च पैड। बाकी टीम्स का क्या स्टेटस है? ब्रावो और चार्ली अपने सेकेंडरी लोकेशन पे हमला कर चुके हैं, डेल्टा अपना पूरा मिशन कंप्लीट करके वापस आने की तैयारी में, नॉट अ सिंगल कैजुअल्टी। गुड, लेट्स गो। अब्दुल्ला जी यहां आओ, समीर साहब को उनके घर तक छोड़ के आना, खास ज्यादा पी लिए इन्होंने। जी
इधरिस कहाँ है? इधरिस कहाँ है? Not yet, sir. मुझे लगता है यहाँ नहीं है। वो यही है। Just 2 minutes away. Vihan, hurry up. Copy, sir. But Idris has to die. But Vihan. Sartaj. Move. Thank you.
के मेरे भाइयों को मारा था ना, आज मैं तेरे घर में घुस के तेरे भाइयों को मार रहा हूँ। इंडियन आर्मी कहते हैं हमें, इंडियन आर्मी। लोअर इस साइड छोटे दरवाजे से बाहर खेतों के अंदर। कौन है वहां? मैं गोली चला दे रही। फायर के लिए जेट्स भिजवा रहे हैं, 10 मिनट में तुम्हारे लोकेशन पहुंच जाएंगे। कुछ भी हो जाए, हमारा हर एक फौजी अर्जेंटाइन हिंदुस्तान पहुंचेगा।
बताओ चार्ली डेल्टा, व्हाट्स द स्टेटस? आवर मिशन कामयाब रहा, नॉट अ सिंगल कैजुअल्टी. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू माय बॉयज. Congratulations. सर, मिशन पूरा हो गया है. कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां. कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां. तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का. बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया. बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया. मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है बेधड़क सी आंधिया. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा. जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा. जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा. ਚੱਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਚੱਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਚੱਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਚੱਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਾ. ਸੂਰਮਾ ਕਮਾਨੇ ਹੈ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ, ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਮਾ.
वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी, मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जग लिख गया नई कहानी, जग लिख गया, जग जितया ते मिलन बधाइया, जग जितया, जितया ते मिलन बधाइया, के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा कमाने है जमया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई रोक। जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी, और जग्गा सुन ना किसी की, के जग्गा कर मन मानी। जगे दा जोश तूफानी, जगे नू चढ़ी जवानी, और जग्गा सुन ना किसी की, के जग्गा कर मन मानी। जग जितया ते मिलन बधाइया, जग जितया, जग जितया ते मिलन बधाइया, जग जितया। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है, जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है।